व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर सुमरो साहब, जो कि डायरेक्टर कंपटीशन है 8वीं से स्काउट्स कैंपुरी के। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि कंपटीशन के हवाले से इस कैंपुरी में कितने कंपटीशन जो है वो टोटल रखे गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 8वीं सिंध स्काउट कैंपुरी में कंपटीशन के हवाले से जो अगर हम बात करना चाहें तो उनमें सबसे पहले था पायलरिंग प्रोजेक्ट, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से मांकी ब्रिज पे काम किया। उसके अलावा कमांडो रेस थी, और कमांडो रेस के साथ जो भरपूर कंपटीशन के हवाले से बात की जाए तो रस्सा कशी, जिसको टग ऑफ वार कहते हैं, और सकाफती शो रात हुआ, और उसके अलावा जो था नात करत और स्पीच, और उसके अलावा खेमा लगाना, वो भी बग़ैर बर्तनों के, और टेंट पिचिंग का मुकाबला हो चुके हैं। और आज रात इंशाल्लाह जो क्लोजिंग में हमारा आखिरी कंपटीशन के हवाले से जो आइटम होगा वो है कैंप फायर। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो पूरी सिंध भर से जो बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट भी किया और बड़ा इंटरेस्ट भी लिया, और विद इन टाइम इसको कंप्लीट किया। तो ये इस हवाले से अगर इस तरह के और भी प्रोग्राम बच्चों के लिए होते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, आपने देखा सारे कंपटीशन जो है वो कंडक्ट करवाए और बच्चों की परफॉर्मेंस भी देखी। बाज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, बाज़ की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी लो होगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम इस तरह के जो मेगा इवेंट्स हों उसमें बच्चे किस किस्म की तैयारी करके आएँ पहले से? मैसेज ये है कि इसमें क्योंकि जो इंटीरियर से बच्चे आए थे उनमें से मोस्टली जो है वो फर्स्ट टाइम आए थे, वो अब सारे अवेयर हैं और तैयार हैं कि अब जो भी नेक्स्ट इवेंट होगा तो इंशाल्लाह इसमें जो कमी कोताही रह गई थी इसमें इंशाल्लाह वो कवर करेंगे और भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। इसको टच नहीं किया, अगर ये हिलता है ये।